गांव श्यामपुरा में पिछले 38 साल से दिव्यांग की पेंशन ले रही महिला की पेंशन बंद कर दी गई। उक्त महिला एक वर्ष से जिला उपायुक्त SDM से संबंधित सभी अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इसकी पेंशन दोबारा चालू नहीं की गई है। दिव्यांग पेंशन शुरू करवाने की मांग को लेकर श्यामपुरा गांव के लोग यादव चांदनी चौक में अनोखा प्रदर्शन कर सरकार एवं प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में लोगों ने कहा कि सरकार तुम्हारी बेबे जिंदा है दिव्यांग चंद्रपति। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि एक सप्ताह के अंदर अंदर दिव्यांग महिला चंद्रपति की पेंशन बहाल नहीं हुई तो श्यामपुरा के लोग अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर होंगे। और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि श्रीराम यादव की पत्नी चंद्रपति पिछले 38 साल से दिव्यांग की पेंशन लेती थी, लेकिन सितंबर 2021 में दिव्यांग की पेंशन नहीं मिली तो परिजनों ने डाकघर जाकर पेंशन की जानकारी मांगी तो पता चला कि विभाग के ने उनकी दिव्यांग पेंशन को काट दिया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के सत्यापन में चंद्रपति पत्नी श्रीराम यादव को मृत दिखाकर दिव्यांग पेंशन को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के चलते यह पेंशन कटी है, पिछले 13 माह से बंद पड़ी है। इस दिव्यांग महिला चंद्रपति 3 बार संबंधित विभाग के सामने पेश होकर जिंदा रहने का सबूत पेश कर चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी और 4-5 बार रात रोड़ भी जाए कोई सुनाई को करो तो बताओ क्या करूं। आपको किस चीज की पेंशन मिलती है? अपंग सुपात दिव्यांग। हाँ आपने 35 साल हो गए मैंने मिल दिया नहीं। DC साहब या आपने SDM साहब इनसे मुलाकात की है? हाँ सारे काम कर लिए। तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आ जाएगी पेंशन आ जाएगी थारी। कितने महीने से आपको पेंशन नहीं मिल रही? 13 महीने हो गए। 13 महीने हो गए। आप 13 महीने से परेशान है, आपको पेंशन नहीं मिल रही। और इसमें तो तंग वाली बता रहे देखो, अरे मैं तो धरना धर के बैठना पड़ा मैंने क्या कहूँ बताऊ। सरकार से आप क्या मांग करते हो? मांग मेरी आज मैंने पेंशन मिलनी चाहिए मैंने मेरी गिरता है जानी चाहिए। हाँ याद कर सर मेरा।